पहले बात दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। आपको बता दें कि रांची में जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकती है ईडी, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी पहुंची है और रांची में जमीन घोटाला मामला हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकती है ईडी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की दबिश कहा जा सकता है। दिल्ली में सीएम के आवास पर यह दबिश दी जा रही है, यानी कि दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह दबिश है। हालांकि जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है जिसको लेकर पूछताछ हो सकती है, फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। तो सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की ये दबिश, जहां दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन का आवास है वहीं पर ईडी पहुंची है और जमीन घोटाला मामले में पूछताछ हो सकती है। तो आपको बता दें कि समन दिया गया था पूछताछ को लेकर, हालांकि इससे पहले भी जब सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई थी रांची में, तकरीबन 7 से 8 घंटे तक वो पूछताछ हुई थी, जिसके बाद एक बार फिर से समन दिया गया था। तो इसी कड़ी में ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची है ईडी। तो खबर यह भी आ रही है कि 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर सकती है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि यह सीएम का व्यक्तिगत फैसला है। आपको बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी 31 जनवरी को पूछताछ कर सकती है। संभावना जाहिर की जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी के जांच के लिए सहयोग कर सकते हैं। इस पर पार्टी प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि यह मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने जांच में सहयोग किया और आगे भी करेंगे। वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि सीएम को पूछताछ में सहयोग करना चाहिए। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री ने सहयोग किया है, मुझे लगता है 2-2 बार पूछताछ हो चुकी। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिस पर इस राज्य का पूरी जिम्मेवारी हो, आने वाला समय चुनाव नज़दीक है, बहुत काम करने बाकी हैं। ईडी के बहाने, संवैधानिक एजेंसियों के बहाने काम करने से रोका जा रहा है। 31 तारीख तक का समय है, ये फैसला व्यक्तिगत रूप से वो लेंगे। और मैं बताऊँ कि लगातार सहयोग कर रहे हैं, पूछताछ भी हुई, सभी प्रश्नों का जवाब दिया, फिर कुछ और बातें अगर रह गई हैं तो वो भी जवाब मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने तो पहले 7 समन को दरकिनार किया था, लेकिन जब ईडी ने 8वीं बार कहा था या तो आप आए नहीं तो हम आएंगे, तब 8वें बार 20 जनवरी को उन्होंने अपने घर पर पूछताछ करवाई थी। और मीडिया की खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री जी सारे प्रश्नों का जवाब टालते रहे, जो भी ईडी उनसे पूछता था वो कहते दिखे कि मुझे याद नहीं या मैं देखकर बताऊंगा। तो अब तो मुख्यमंत्री जी अगर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश होते हैं तो हमारी तो उनसे यही गुजारिश होगी कि हुजूर इस बार याददाश्त ठीक करके जाइएगा, 1-2 अंजीर ज्यादा खा लीजिएगा, 1-2 बादाम ज्यादा खा लीजिएगा, क्योंकि याददाश्त पर आपको बल देने की जरूरत नहीं पड़े। और अगर आप लगातार क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इसी तरीके से कोऑपरेशन नहीं करते दिखेंगे तो फिर ईडी भी कोई बड़ी कार्रवाई उठा सकती है। तो हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री को फेस करना चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन को मिले ईडी के समन पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि ईडी के जरिए राज्य सरकार को परेशान किया जा रहा है, अस्थिरता का माहौल बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि एजेंसी अपना काम कर रही है और आखिर सत्ता पक्ष को किस बात का डर है। इधर कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार फ्रस्ट्रेशन में है और बार बार लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, विकास में अवरोध बनने का प्रयास किया जा रहा है और संवैधानिक संस्था के जरिए परेशान किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का सामना करने की नसीहत दे डाली। जब माननीय मुख्यमंत्री ने सहयोग किया, बुलाया, काफी देर तक पूछताछ हुई, 7 घंटे तक लोग रहे उनके आवास में, जो भी प्रश्न पूछा गया उसके जवाब दिए गए, फिर बार बार ये सम्मन प्रसम्मन क्यों, ये स्पष्ट करना चाहिए ईडी को, चाहे जो भी संवैधानिक संस्थाएं,
पूरी तरह से स्पष्ट दिखता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर जिस तरह से दुरुपयोग हो रहे हैं और राजनीतिक विरोधियों को परास्त और परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैं सुझाव दूंगा आपके माध्यम से, जो तानाशाही रवैये टेंडेंसी वाले लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, इस तरह की हरकत से बाज आए, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। सोचने की आवश्यकता है, आदिवासियों को उद्वेलित न करें, झारखंडियों को ललकारना बंद करें। ऐसी जो कार्रवाई चल रही है, इसको रोका जाए, अविलंब रोका जाए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया राज्य की जनता, तो कैसे हम इस राज्य के विकास को अवरुद्ध करें, कैसे हम लोकतंत्र का जो लोकतंत्र को हानि पहुंचाए, ये उसी की परिकल्पना है कि लगातार ईडी 9वां सम्मन, 10वां सम्मन, 11वां सम्मन। अरे आप सम्मन के साथ खेल कर रहे हो क्या? देश का संविधान और संवैधानिक संस्थाएं दोनों संविधान से चलती है, तो हमें लगता है कि कम से कम अब केंद्र सरकार इस तरह फ्रस्ट्रेशन में है, 2024 अब ये लोग नहीं सकेंगे भारतीय जनता पार्टी, लाख कुछ भी कर लें, अब आवाम खड़ा हो रही है महागठबंधन के पक्ष में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में और ईडी के खिलाफ में। जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं, आज राजभवन में भी प्रदर्शन करने की बात हो रही है, मुझे लगता है ये पूरे तरीके से संवैधानिक और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को कोलैप्स करने की ओर इंगित करता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कानून से क्यों भाग रहे हैं? कब से आप मुख्यमंत्री थे और कब आप भगोड़े बन गए, ये शायद आपको भी पता नहीं चला। 10 समन हो गया, बस कीजिए मुख्यमंत्री जी, कानून का सामना कीजिए। लेकिन जिस तरीके से आप भाग रहे हैं और अब तो अपने कार्यकर्ताओं को सीधे उतार रहे हैं, आपके गठबंधन के नेता कह रहे हैं ईडी के अफसरों पर कार्रवाई होगी, झारखंड जल जाएगा, किस मुद्दे पे आप पर 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का मुद्दा लगाया, आरोप लगाया, और आपके चंद कार्यकर्ताओं को छोड़कर कोई सड़क पर भी नहीं उतर रहा, जनता तो बिल्कुल खामोश है। मुख्यमंत्री जी, अब भी पहचानिए बदलते समय को और कानून का सम्मान कीजिए। ईडी के खिलाफ आज भी जेएमएम कार्यकर्ताओं का आक्रोश प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान शिबु सोरेन के आवास से राजभवन तक मार्च होगा। जेएमएम ने ईडी पर सीएम हेमंत सोरेन को परेशान करने का आरोप लगाया है, इसी कार्रवाई के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।